नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल ट्रस्टेड न्यूज में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि छत पर चलने वाले पंखे तीन या चार टांगों वाले होते हैं, लेकिन भारत में ज्यादातर तीन टांगों वाले पंखे ही क्यों चलते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है? नहीं ना, तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी ने दस्तक दे दी है और अब चाहे घर में कूलर चले या एसी, कमरों के ऊपर बेचारे तीन टांगों वाले फैन की सांसें बराबर चलती रहती हैं। इससे सुकून या इसके कलेजे में ठंडक तभी पहुंचती है जब बिजली चली जाती है। आजकल सीलिंग फैन में भी काफी एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ ठंडक देना ही है, फिर बात चाहे देसी पंखा हो या विदेशी। दोस्तों, तीन पत्ती वाली देसी फैन है, जबकि चार पत्ती वाला विदेशी फैन। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि भारत में 99% तीन पत्ती वाले पंखे ही क्यों चलते हैं और विदेशों में चार पत्ती वाले पंखे? दोस्तों, दरअसल अमेरिका जैसे ठंडे देशों में चार ब्लेड वाले पंखों का काम एयर कंडीशनर एसी के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका काम हवा देने नहीं बल्कि एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना होता है। चार पत्ती वाले पंखे तीन पत्ती वाले पंखे की तुलना में धीमे चलते हैं, इसलिए ये यह काम अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन यदि भारत में चार पत्ती वाले पंखे इस्तेमाल होने लगे तो यहाँ गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत में पंखे का मतलब है ज्यादा से ज्यादा हवा दे। तीन पत्ती वाला फैन हल्का होता है और चलने में इसकी रफ्तार तेज होती है और इससे हवा भी तेज मिलती है, इसलिए हम इंडिया वालों के लिए तीन टांगों वाला पंखा ही ठीक है। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस प्रकार के आर्टिकल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद।